इस वीडियो में हम जानेंगे एमसीए के बारे में। एमसीए होता क्या है और एमसीए में अगर कोई कंपनी रजिस्टर है तो उसे हम कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम एमसीए के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। एमसीए होता क्या है? एमसीए मीन्स होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, मतलब ये गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है जिसमें अगर कोई भी कंपनी स्टार्ट करते हो आप तो उसमें सबसे पहले रजिस्टर कराना पड़ता है। अगर आप इसमें रजिस्टर नहीं कराते तो वो आपकी कंपनी इलीगल मानी जाएगी। अब हम इसके बारे में जानते हैं कि हम कैसे चेक कर सकते हैं इसे। सबसे पहले आपको एमसीए की वेबसाइट पे जाना होगा जिसका एड्रेस है mca.gov.in। आप इसे सर्च करना होगा आपको। अब जैसे ही इसे सर्च करते हैं इसकी वेबसाइट ओपन होने लगेगी। अभी नेट स्लो चल रहा है इसके कारण थोड़ा स्लो ओपन हो रहा है। आपको यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा और सबसे ऊपर आपको एमसीए सर्विस दिखेगा। एमसीए सर्विस के नीचे आपको दिखेगा मास्टर डेटा। यहाँ पे डीएससी सर्विस के तीसरे नंबर पे है ये। यहाँ पे आपको नीचे दिखेगा व्यू कंपनी और एलएलपी मास्टर डेटा। आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं आपको इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पे सबसे ऊपर दिख रहा होगा आपको कंपनी एलएलपी नेम। आप यहाँ पे आपको नंबर अगर पता नहीं है एलएलपी नंबर तो आप यहाँ पे नेम से सर्च कर सकते हो। मैं सर्च पे क्लिक किया और फिर उसके बाद यहाँ पे कंपनी नेम पूछ रहा है मुझे, तो मैं कोई भी कंपनी नेम सर्च कर लेता हूँ। मैं रिलायंस सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नीचे सर्च का बटन दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर लूंगा। तो जैसे ही मैं सर्च पे क्लिक करूंगा बहुत सारी कंपनी रिलायंस के नाम से आ जाती है। अब मुझे उसकी डिटेल चाहिए होगी तो मैं कोई भी कंपनी पे ऊपर क्लिक कर लूंगा। रिलायंस एक्सेस डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इस पे क्लिक कर लिया मैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे सीआईएन नंबर उसका फिल हो जाता है ऑटोमेटिक। उसके बाद मैं कैप्चा फिल कर लूंगा। कैप्चा फिल करने के बाद मैं सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे सबमिट पे आप क्लिक करते हो ये कंपनी की पूरी डिटेल आपके पास आ जाती है। कंपनी का सीआईएन नंबर ऊपर में और कंपनी का नेम है, कहाँ रजिस्टर है, कौन सी कंपनी है, ये नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट मतलब नॉन गवर्नमेंट कंपनी है ये। मतलब आप यहाँ पे ये कंपनी के बारे में देख सकते हैं। कंपनी का स्टेटस यहाँ पे अभी स्टेटस में ये एक्टिव है, कंपनी अभी चल रही है। आप यहाँ से कंपनी के डायरेक्टर को भी जान सकते हैं, कर सकते हो। एक्सेल में भी प्रिंट कर सकते एक्सपोर्ट कर सकते हो और प्रिंट पीडीएफ में भी कर सकते हो, ठीक है सर। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।